नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर पुलिस स्टेशन में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस द्वारा एक व्यक्ति जो कि पिछले 7 दिन से घर से निकला था कश्मीर के लिए, लेकिन ना तो वो कश्मीर पहुंचा और ना ही वो वापस पहुंचा। बिहार का रहने वाला था ये और मानसिक रूप से थोड़ा बीमार था ये। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं देखें तो कई लोग ऐसे रहते हैं, पूछताछ करने के बाद पुलिस उन्हें छोड़ देती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर आपको बता दूं कि उधमपुर SHO रघुवीर सिंह द्वारा इनसे पूछताछ की गई और उनका घर का एड्रेस पूछा गया और घर वालों को फ़ोन किया गया। उसके बाद ये व्यक्ति घर वाले उधमपुर पहुंचे और मैं अपने पीछे आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए, ये चंद्र पासवान है ये, और ये बिहार के रहने वाले हैं और उनके घर वालों को आज ये सौंप रहे हैं। उन्हें घर वाले बिहार से यहाँ पहुँचे हैं और ये वापस लेकर जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, मैं फिर आपको ये बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसे मामले आते हैं लेकिन मानसिक रूप से जो लोग बीमार रहते हैं वो अपने घर का पता नहीं बता पाते हैं और आखिर उन्हें या तो पागलखाने में भेज दिया जाता है या तो फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ की जो पुलिस है, हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस है, हमारे उधमपुर की पुलिस है, ऐसा नहीं होता है। इनके पास आने के बाद इन्होंने पूरी छानबीन की गई और इनके घर का पता लगाया गया। घर का पता लगने के बाद फ़ोन किया गया और घर वाले आज यहाँ इन्हें लेने के लिए आए हैं। मैं फिर आपको बता दूँ, मैं यहाँ के जो लोग आए हैं इनके साथ, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? सवा देवी। इनका क्या नाम है? चंद्र पासवान। चंद्र पासवान, घर से कब निकले थे? 7 बजे हुआ है। 7 दिन हो गए। कहाँ जा रहे थे ये? कश्मीर जा रहे थे। कश्मीर क्या ये काम करते हैं? काम करने के लिए। तो फिर क्या हुआ ऐसा कि ये कश्मीर जा रहे थे काम करने के लिए? जो वहाँ आया था बोला कि जो हम टिकट कटा रहे थे बस का, आप बस का टिकट भी कटा लिए हैं और वहाँ पता नहीं चला इसका माइंड जो ख़राब हो गया था, कहाँ भाग रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, भाग रहे थे। SSP कैंप आया, SSP कैंप ने हमको कॉल किया, आरबी के मैं पहुँचा, मुझको कॉल किया, हम बोले कि इसका जो आप शिफ्ट करके रखिए, हम लोग भी आ रहे हैं। तो वो आदमी क्या क्या यहाँ थाना हवाले कर दिए, यहाँ का थाना वाले हवाले कर करके से इसको अच्छा से रखे, फिर हमको कॉल किया आप आइए इधर ले जाइए। तो हम लोग यही कहने चाहते हैं जो आरबी वाला को धन्यवाद करना चाहते हैं, थाना वाला को भी धन्यवाद करना चाहते हैं। आपका अपना नाम क्या बताया आपने? शोभा देवी। शोभा देवी, हाँ। ये आपके क्या लगते हैं? ये देखिए, शोभा देवी जी आई हैं, ये बिहार से आई है और इनके ये पति थे। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि सबसे पहले ये आर्मी के जो लोग थे कमान हॉस्पिटल के अंदर चले गए थे ये, लेकिन उन्होंने जब इन्हें पूछताछ की तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन उन लोगों द्वारा पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस द्वारा पूरी छानबीन की गई, इनके घर फोन किया गया और ये आज ये पूरा परिवार उधमपुर पुलिस स्टेशन में पहुँचा है। शोभा देवी इनकी धर्म पत्नी है, जिस तरह से ये बता रही है कि घर से ये कश्मीर के लिए इनके लिए थे काम के लिए, लेकिन कश्मीर नहीं पहुंच पाए, लेकिन जम्मू में उतर गए और उसके बाद ये ठोकरे खाते हुए, दर बदर के ठोकरे खाते हुए उधमपुर पहुंचे और कमान हॉस्पिटल के अंदर चले गए। वहाँ के जो आर्मी थे, वहाँ के जो जवान थे, उनके द्वारा इन्हें रोका गया, पूछताछ करने के बाद उन्हें पुलिस के हवाले किया गया यहाँ पर और पुलिस ने पूरा पता लगवाया। मैं फिर आपको ये बता दूँ कि पुलिस द्वारा पता लगाने के बाद इनके घर वालों को फ़ोन किया गया और आज इनके घर वाले यहाँ पहुँचे हैं और उनके घर वालों को, चंद्र पासवान को, उनके घर वालों को सौंपा जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।